मुझे पता, तू तू जब रिपीट की ना, मैं समझ गया, कंफर्म रिपीट कर रही, मतलब गाना भूल गई है ये इसको किन्ना आगे नहीं आता है, इसको आगे चीर सुने नहीं आता। मैंने भी फॉलो किया है और मैं आपको मैसेज करूंगी, फिर नेक्स्ट लाइव में आप हमारा गाना सुनाइएगा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सही दीदी। किन्ना चीर सुने पहले भाई से दीदी, फॉलो कर दिया है। हाँ देख छोटी ने फॉलो किन्ना कर दिया, चीर देख बाप क्या हुआ, फॉलो बहुत फॉलो कर दी मैं किन्ना अभी। चीर गाना सुने भैया? नहीं कौन सा आज जाने दे मैं जहां तेनू देना, सुना है, सुना है, सुना है मैंने, बहुत सही सॉन्ग है। आता तू आ उसको भी ले ले, उसको भी ले ले, पगली को आजा आजा आज जान दे मैं जवाब तेरू देना, बोली संगवारी सारी मैं मिटा दी आ, फोटो दे ले जे खड़े वे चुनू का किसी में रखी आज, अखा दी सामने खड़ा दी आ, तकदा ही जावा इना तेनू जावा, मुझे लगे निकला हटे तेरा इंज शर्माना, अखन छुपा तेन वेखना ही मर जावा में, किन्ना चिर तेन दिल जे लुका के रखे, किन्ना चिर तेन दिल जे लुका के रखे। बहुत अच्छा था, अच्छा था, मेहनत करते हैं, कंफर्म ब्रेक मिलेगा लाइफ में। यू नो देखो रितिका, देखो पता है कहाँ से हो आप? छोटी देखो से पता है, दीदी मैं बलौदा बाजार से हूँ। छोटी अच्छा हाँ भाई, ये जो है ना आचल, पता है कैसी है ना, वो धन्नू, धन्नू भाई अपने, धन्नू भाई, हाँ हाँ अभी उनका एक सॉन्ग आया था वो तुर क्या नाम है, प्यार हो यही गाई है, सॉन्ग भी ऐसा। गाई है, और हाँ लीड अरे रोल भी यही की बताओ, हुई है। अरे वो सॉन्ग के लिए पूछे थे लेकिन उस टाइम पे थोड़ा घर पे इशू था तो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन जब मैं गाना सुनी बाद में मेरे को बहुत अखरा कि मेरे को वो सॉन्ग कर लेना था। हाँ दीदी बढ़िया करना था ना। उस टाइम थोड़ा सा इशू चल रहा था घर पे। आप इस बार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार पक्का धन्नू के साथ ही करूंगी। हाँ धनेश भैया तो फिर, अब आर्यन भैया आप कब मिल रहे हो? बहुत जल्दी आता हूँ ना, कंफर्म मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्दी आऊंगा आप उनसे बड़े मिलने। अभी तो कहाँ आने वाले हैं हम लोग भाटापारा। बहुत अच्छा जल्दी, भाटा बहुत पारा, जल्दी। अब आर्यन भैया तो को साथ मिलेंगे अरे छोटे मोटे। नहीं, रियल में मैं इतना टेंशन में, इतना माइंड में डिस्टर्ब है अभी अभी अभी, अमलेश भाई के फैमिली में घर पे शादी था, मैं वहां नहीं गया, और रियल में क्या बोलूं, 4 दिन से लगातार हो गया, अभी कॉल आया सब लोग, कल घनश्याम भाई गया ना छोटी, तो मेरे कॉल के बेचारा, और चल नारियन चलते चलना चलते, मैं गया ही नहीं क्योंकि क्या मैं कल तभी धमतरी जा नहीं रहा जा था ना। पाई। अरे हम लोग, हमारे ग्रुप का कोई नहीं गया है, मतलब हमारे टीम के है ना बहुत लोग नहीं है, छोटी मैं आरती एंड ऑल जो बहुत मेरा सारे तबीयत भी कोई ठीक नहीं। नहीं था तो मैं तो अभी अंजलि के यहाँ भी नहीं गई, प्लस एग्जाम भी चल रहा है तो अब सीधा एग्जाम के बाद। तबीयत तीन कहाँ है चार बट दिन तू से छोटी, ठीक नहीं है अभी, छोटी तू कहाँ है, घर पार्लर पे पे ही कहाँ है, घर पे। घर पे, तू तू घर पे, तो रेडियो कैसे बैठी बेटा, एकदम रेडियो के बैठी है तू घर पे अरे नहीं बैठा जस्ट रेड। ठीक, मैं सडन अभी देख रहा फिल्टर फोटो। लगा के बैठी हाँ हूँ, अभी फिल्टर लगा के बैठी हूँ। हाँ मैं तो फिल्टर लगा के बैठता हूँ हसन से, एकदम वो देख ला, रेड 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 ब्लश मारी मेरे फेस में एकदम, एक अलग सा हेलो रितिका तो दीदी कौन ये कौन वो। 12वां सॉन्ग देखा है कमेंट हाँ करके बहुत बार देखा, मजा आया। रियल में पता है, अगर वो इंसान को अच्छा, जैसे बताया ना मैं आचल, तुम दोनों को जो गाना बताया मैंने, वो वाली सॉन्ग भी है ना ऐसा है कि तुम अगर उसको सुकून से सुनोगे ना, फील करके लो, गाना बहुत अच्छा है, समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग के, बट आपको अच्छे से जब सुनोगे तब समझ आएगा वो चीज क्या है कैसा है, मतलब अच्छा और एक छत्तीसगढ़ स्टोरी को एक नया फ्लेवर मिला, बहुत मजा आया। अच्छा
हाँ स्टोरी बहुत अच्छा स्टोरी दिया है हिमांशु ने, बहुत अच्छा स्टोरी दिया रियली. तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन. काफी लगा इसको बनाने में, शूट में भी काफी कुछ प्रॉब्लम हुआ लेकिन अच्छे से हो गया. यहाँ लाइव में मैं एक चीज बता रही हूँ, वो जो नाइट वाला जो एक शॉट है ना जहाँ पे चांद और सितारा वाला, वो है वो रात के 3 बजे शूट हुआ है होटल के सबसे लास्ट टॉप फ्लोर पे. अरे बाप रे, अरे बाप. रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे तो हम लोग ऊपर छत पे, मतलब फोर्थ फ्लोर के और ऊपर जो टावर बना होता है ना उसके ऊपर हम लोग सीढ़ी लगा के चढ़े थे और फिर हम लोग वहाँ पूरा सेटअप जमाए हैं और उसके बाद रात के 2:30-3 बजे वहाँ पे वो शॉट अपन कंप्लीट किए हैं. बहुत मेहनत थी, अपना लास्ट डे था उसके बाद. हाँ उसके बाद हमको रिटर्न आना था, उसके बाद अपने पास टाइम नहीं था और कुछ कुछ शॉट बचा हुआ था तो हमको ऐसे एडजस्ट करना था. तो फिर वैसे हम लोग किए कि और कहीं जा नहीं सकते थे इतने रात को, तो हम लोग सोचे ये कुछ किया. में जो दिया है जो, हाँ वो बिलासपुर का शॉट है. अच्छा बिलासपुर का वो स्टार्टिंग है ना, जो स्टोरी है, जो स्टोरी है ना जहाँ शिकार पे जाते हैं वो पूरा क्या बोलते हैं बिलासपुर का है. बाकी जितने में मैं दिख रही हूँ वो पूरा बस्तर का है. बाकी जो इनका सिंगल का शॉट है वो बिलासपुर का है. अच्छा बहुत बहुत तगड़ा था. छोटी जो वो हॉर्स था, जो घोड़ा जो आया था बेटा, हाँ. वो घोड़ा लोग कहाँ से वो बिलासपुर से रेंट पे लिए थे शूट के लिए, स्पेशली रेंट पे मंगाए थे. मैं देखा था हाँ. जंगल वंगल में लेके चले गए थे लोग. वो बिलासपुर का सीन है पूरा और वहीं क्या बोलते हैं रेंट से मंगाए थे स्पेशली शूट करने के लिए. ऐसा ओके. एक्चुअल में हम लोग बस्तर पे सोचे थे लेकिन वहां पे वो चीज हम लोग को नहीं अवेलेबल हुआ और हम लोग के पास टाइम भी नहीं था. हम लोग को 3 दिन में कम्प्लीट करके वापस आना था और बाहर जगह क्या है, बाहर ही होता है, कोई कॉन्टेक्ट के भी उतने खास थे नहीं वहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत भी जा रहा था. तो उसको तू छोटी इंदू को फोन कर दी बेचारी को, इंदू से मिली भी नहीं, ये गलत है ये. अरे काम कहूँ वही बता रही हूँ, हम लोग का लास्ट शॉट काफी रात हो चुका था और फिर वहां जाते तो ऑलरेडी बहुत लेट होता और हम लोग को घर भी आना था. मेरे को घर पहुंचते लगभग 2 बज गया था खुद. इंदू मेरे को बोल रही थी, दीदी फोन की थी मेरे को और आई नहीं मेरे से मिलने बोल के. मैं बोला अरे कैसे नहीं आई वो. भाई ऐसा रहता ना, अकेले रहो या अलग ग्रुप हो तो अलग होता है. अब मैं अलग लोगों के साथ गई हूँ और थोड़ा अलग काम था वहां पे तो थोड़ा सा जमा नहीं. सोचे थे हम लोग टीम नहीं हो पाया था जाना. मिलेंगे बहुत जल्द सबसे. दीदी महोत्सव बहुत टाइम हो गया छुट्टी पर कुछ किए नहीं है. पैरागढ़ महोत्सव होने वाला है ना 27 से.